तो है गाइस, इट्स मी संजय, वेलकम बैक टू एस कमिंग्स। दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के शुरू में गाइस मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, तो आप लोग बनाना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखना है। मैं बहुत ही सिंपल मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से इस वीडियो को बना सको। एंड गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का मैं यूज़ करूंगा सारा कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड गाइस आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस तरह का जो वीडियो है कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो गाइज इस तरह का वाइप बर्थडे स्पेशल वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को फर्स्ट टर्बो वीपीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टैप टू कनेक्ट कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसके बाद कैपकट एप्लीकेशन को आप लोगों को ओपन करना है। ओपन करते कुछ इस टाइप का इंटरफेस है, तो फर्स्ट आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट जो है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज एक 10 सेकंड का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए ये 10 सेकंड का वीडियो है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो ऐड हो चुका है। अब लास्ट में देखिए एंडिंग वाला पोर्शन है, इसे आप लोगों को डिलीट करने के लिए गाइस नीचे देखिए डिलीट का बटन, इस पर टच करके डिलीट हो जाएगा। अब ऐड ऑडियो जो है इस पर आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद एक स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब 21 सेकंड का वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मटेरियल लिंक करके रहेगा गाइस, उस पर आप लोग क्लिक करके मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा एंड वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐड पर क्लिक करते गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है ऑडियो नीचे ऐड हो चुका है। तो इतना तक बहुत ही सिंपल था एंड मैं बहुत ही सिंपल में एक्सप्लेन करने का कोशिश भी करूंगा ताकि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही आसानी से बना सको। तो गाइज अब आप लोगों को 15 फोटो सिलेक्ट करना है। तो 15 फोटो सिलेक्ट करने के लिए गाइज साइड में देखिए प्लस का आइकॉन है, इस पर आप लोग क्लिक करें। उसके बाद फोटोज़ में जाएँ, यहाँ पर आप लोग 15 फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। गाइज यहाँ पर मैंने दो बार में 15 फोटो ऐड कर लिया है, तो आप लोगों को भी 15 फोटो यहाँ पर ऐड करना है। अब गाइज आप लोग क्या करना है, देखिए फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है स्टाइल करके, इस पर आप लोग क्लिक करें। उसके बाद गाइज आप लोगों को देखिए थोड़ा सा स्लाइड करें, यहाँ पर 3D जूम प्रो करके मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। तो गाइज फर्स्ट फोटो में आप लोगों को 3D जूम प्रो जो इफेक्ट है इसको ऐड करना है। उसके बाद जितने भी फोटो है मतलब फर्स्ट फोटो को छोड़ कर 14 फोटो को आप लोगों को क्या करना है, 3D जूम जो इफेक्ट है इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर गाइज थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा ये 100% तक होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो गाइज देख सकते हो फर्स्ट फोटो में 3D जूम प्रो इफेक्ट जो है ऐड हो चुका है। अब सेकंड फोटो में आप लोगों को 3D जूम जो यहाँ से गाइज आप लोगों को सभी फोटो में 3D जूम इफेक्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी फोटो में एक एक करके ऐड कर लेना है। तो ये एक प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं अगर दिखाने जाऊँ तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये 3D जूम जो है ऐड हो जाएगा। इस तरह से गाइज सभी फोटो में आप लोगों को 3D जूम को ऐड करना है। तो ये प्रोसेस गाइज मैं कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी फोटो में 3D जूम को ऐड कर लिया हूँ, तो आप लोगों भी कर लीजिएगा। फर्स्ट फोटो में सिर्फ आप लोगों को 3D जूम प्रो को ऐड करना है, उसके बाद जितने भी फोटोज़ हैं सभी में 3D जूम को ऐड करना है। अब गाइज आप लोगों को बीट के अकॉर्डिंग सभी फोटो को कट करने है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन आप लोगों को 0.6 सेकंड कर लीजिए। उसके बाद जितने भी फोटोज़ है यहाँ पर गाइज जो 14 फोटो है उसमें आप लोगों को क्या करना है, 0.7 सेकंड करके हर एक फोटो को आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइज देख सकते हो कोने में यहाँ पर ड्यूरेशन दिखा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से गाइज सभी फोटो को 0.7 सेकंड करके आप लोग कर लीजिएगा। तो गाइज ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर ये कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये 0.7 सेकंड हो चुका है। तो इस तरह से गाइज मैं सभी फोटो को 0.7 सेकंड तक कट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी फोटो को 0.7 सेकंड करके कर लिया हूँ। तो फर्स्ट फोटो को सिर्फ आप लोगों को 0.6 सेकंड रखना है, उसके बाद जितने भी फोटोज हैं सभी फोटो को 0.7 सेकंड करना है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन एक इफेक्ट आ चुका है। अब गाइज यहाँ पर एक बर्थडे वाला PNG आप लोगों को ऐड करना है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों को बर्थडे वाला PNG ऐड करने के लिए गाइज साइड यहाँ पर नीचे देखिए ओवल करके इस पर आप लोग क्लिक करें, उसके बाद ऐड ओवल पर क्लिक कर लीजिए। तो गाइज ये बर्थडे वाला PNG इसे आप लोग ऐड कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा जूम करके नीचे की तरफ आप लोग सेट कर लीजिए, ठीक है गाइज। अब इसे खींच के क्या करना है, वीडियो का आप लोगों को लास्ट तक कर लीजिए, वीडियो जितना तक है उतना तक आप लोग इसे करना है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब इतना तक होने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो एंड दो इफेक्ट ऐड करना है। तो फर्स्ट मैं दो इफेक्ट ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। बैक आइए एक बार, यहाँ पर देखिए इफेक्ट करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। वीडियो इफेक्ट पर आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर देखिए पार्टी करके मिलेगा, पार्टी इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। एंड सेकंड वाला जो इफेक्ट है स्ट्रोब, इसको आप लोग टच कर लीजिए। उसके बाद इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, लास्ट तक हो जाएगा। अब गाइज फास्ट में आइए, पिक्चर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर आने के बाद गाइज फिर से आप लोगों को एक इफेक्ट ऐड करना है। तो वीडियो इफेक्ट पर टच करें, उसके बाद गाइज बेसिक पर टच करें, देखिए यहाँ पर बेसिक है इस पर टच कर लीजिए। एंड यहाँ पर सेक जो है थर्ड नंबर वाला इफेक्ट, इसको आप लोग टच कर लीजिए। उसके बाद इसे भी खींच के वीडियो को लास्ट तक आप लोग कर लीजिए।
तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर लास्ट तक हो चुका है। अब गाइज आप लोगों को ये जो सेक इफेक्ट है देखिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है इसका, तो कम करने के लिए गाइज आप लोग यहाँ पर टच करें एंड एडजस्ट पर टच कर लीजिएगा एंड इसे आप लोग अपने 10 या 15 कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं 10 कर लेता हूँ। तो इस तरह से गाइज देखिए थोड़ा सा सेक होगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है। अब सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को एक टेम्पलेट ऐड करना है, तो उसके लिए गाइज आप लोग क्या करना है, ओवरले पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। तो गाइज ये वीडियो ऐसे आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद इस तरह से आप लोग फुल स्क्रीन कर लीजिएगा एंड यहाँ पर स्प्लैश पे टच करने के बाद गाइज आप लोगों को लाइट एन पे क्लिक करना है। ठीक है गाइज, अब आप लोगों को देखिए वीडियो को यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में कट करना है। यहाँ पर आने के बाद इस तरह से स्प्लिट कर लीजिए, इधर का जो हिस्सा है इसे डिलीट कर लीजिए। अब गाइज जो आपका वीडियो है बनकर रेडी हो चुका है, यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ ऑडियो के बिना। आप लोग ऑडियो के साथ सुनना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।